हेलो यू गाइस, रेडियो सिटी 91.1 से दिस इज आरजे जानवी और बड़ौदा की रग रग में है हम। तो जब हमारे शहर में स्टार्स पधारेंगे और हम उनसे नाम मिलाएंगे तो हो नहीं सकता, विद मी ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान राकेश जी है हमारे साथ, जिन्होंने उरी में हमें पाकिस्तानी किरदार देखकर इतना हाउ डू यू डू दैट सर, इट वाज अ 2 मिनट का रोल लेकिन उसमें आपने इतनी जान भरी है, मटर से निकल के भी वो अंकल सबको याद रखा, कैसे? बस कैसे का तो पता नहीं, लेकिन वो रोल मुझे ऑफर हुआ तो पहले मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? मैंने कहा एक छोटा सा रोल है, मैं इसमें तो क्या करना है। डायरेक्टर ने कहा कि नहीं सर, मैंने आपको सोच के लिखा है, वैसा आपको बहुत मजा आएगा। इतने साल हुए हमने आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, टेलीविजन में आप दिल बुरा अंकल बन के आते थे और आप पूरी जैसे मूवी में आप हमें नजर आते हैं, आपने थिएटर किया है, व्हाट इज इट दैट यू एंजॉय द मोस्ट? I think I enjoy everything. I enjoy my work and I believe that if you don't enjoy your work, it's not worthwhile. Correct. So, मैं जो भी काम करता हूँ कोशिश करता हूँ उसको उसमें अपनी तरफ से ऐसा करूँ कि मुझे किक मिले उसमें से। और अगर एक्टर को क्रिएटिव काम है, अगर एक्टर को अपने काम पे किक नहीं मिलती है, खुद को मज़ा नहीं आता है, तो देखने वालों को मज़ा कैसे आएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपने काम में मजे डालूं और मजे से करूं और मजे लूं अपने काम में। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का दौर चल पड़ा है जो उस टाइम पे इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। डू यू थिंक कि अगर उस टाइम पे स्टैंड अप कॉमेडी जोन होता तो शायद आप कुछ और कर रहे होते? हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। लेकिन मैं उस जोन में कभी गया ही नहीं क्योंकि मेरा वो फील्ड कभी रहा नहीं। और अब मुझे लगता है कि इतने यंगस्टर्स हैं उसके अंदर जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं उसमें कोशिश मैंने कभी की नहीं। लेकिन अगर देखते हैं तो नेवर नो। सर, यू जस्ट कम बैक, आप अभी भी प्लेन से उतरे हैं और एक छोटा सा गेम है जो मैं आपके साथ खेलना चाहूंगी। आजकल अपने शो में चल रहा है, मैं कच रनोत्सव के वाउचर्स जिता रही हूँ लोगों को मेरे साथ ट्रिप पे जाने वाले हैं और गेम का नाम बहुत सिंपल है, इट इज रन फॉर रन। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, रन फॉर रन। हाँ, ओके। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ जिनके जवाब में आपको हाँ जी ओके ना नथी नको नहीं बोलना, ठीक है? और आपको जवाब जल्दी जल्दी देना है। कोशिश करता हूँ। ओके, रेडी? आपको बड़ौदा के कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहली बार आए बड़ौदा? नहीं जी। आओ ना। ये तो पकड़ लिया आपने। और ऐसे ही आप भी मेरे साथ खेल सकते हैं सर, मुझे एक प्ले दिखाने ले जा रहे हैं और मैं आपको रनोत्सव लेकर जा रही हूँ। सबकी लाइफ की प्रेरणा जो मतलब हर घर की आइडियल बहू बन गई थी आज मेरे साथ बैठी हुई है, जिसका मुझे बड़ौदा अलॉन्ग विद ब्राउन फॉर अ वेरी स्पेशल प्ले कॉल्ड जब वी सेपरेट। One question that all the listeners ask you, ask you, आपके बालों का राज क्या है यार, ये बताना मैं बताऊं क्या राज है? इनकी मम्मी संडे को ऐसे ऐसे करके इनके बालों पे तेल लगाती है और हमने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है क्योंकि हम रिहर्सल इनके घर में करते थे, क्योंकि इनका बच्चा छोटा था तो हम लोग दिल्ली से फ्लाइट पकड़े, तो 6 महीने बड़ा हो, तो इनकी मम्मी संडे को ऐसे ऐसे तेल लगाते हैं। आंटी क्या कर रहे हो, देख लेगा सीधा तिवारी ऐसे तेल लगवा रही है बेटा, यही राज है, इनके बालों का राज यही है, ये बाल कलाकार है। जिसके जवाब में आपको हाँ यस ओके जी हाँ ना ना ही बोलना है, ना ही बोलना है, ये चीजें तो बोलती हूँ बोल के बंदा खत्म हो चुका है। एक दिन मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा श्वेता वेरी अर्जेंट तेरा टॉक टू यू, तो कोई जवाब नहीं आया, उसके 11 दिन बाद जवाब, हाँ टेल मी टेल मी, दैट्स श्वेता तिवारी। श्वेता, are you ready? Yeah. क्या आपको मजा आने वाला है आज शाम को प्ले में परफॉर्म करने में? अरे बताओ क्या क्या नहीं बोलना? हाँ जी हाँ ओके ना नथी नको,
नहीं बता सकते। थैंक यू सो मच।